नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों एक और बड़ी वैकेंसी आ गई है यूटीपी आधार पर, जो 25,000 नर्सेज की जो भर्ती प्रक्रिया है ग्राम पंचायतों में चल रही है, वो अजमेर ज़िले की वैकेंसी का पहले हमने वीडियो बना लिया है, आप वहां जाकर के देख सकते हो। इसके अलावा दोस्तों अभी ये नागौर ज़िले की वैकेंसी आई है। दोस्तों धीरे धीरे ये जो 25,000 नर्सेज की जो भर्ती प्रक्रिया चल रही है, 2 महीने के लिए लिया जा रहा है ऐसा मानना है, मगर मेरा मानना है कि आगे भी ये भर्ती प्रक्रिया चलती रहेगी दोस्तों, क्योंकि अब डॉक्टरों की आवश्यकता बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है, नर्सेज की आवश्यकता बढ़ गई है, ANM JNM की आवश्यकता बढ़ गई है, सभी की आवश्यकता बढ़ गई है स्वास्थ्य कर्मियों की। तो इसको लेकर के आप ज़रूर जाए दोस्तों। अजमेर का वीडियो हमने पहले बना दिया है, आप चैनल पर जाकर के देख सकते हो, या उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ अजमेर के स्टूडेंट जाकर देख सकते हैं, वहाँ जाकर अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अब ये नागौर की वैकेंसी है, आइए दोस्तों देखते हैं पूरी जानकारी क्या है, किस प्रकार से आपको फॉर्म अप्लाई करना है। ये देखिए दोस्तों, कार्यालय मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी नागौर, 20/5/2021 विज्ञप्ति। ये देखिए दोस्तों, पदों की संख्या आप देख सकते हो 1691 पदों की ये वैकेंसी निकाली गई है। इसके अंतर्गत जो टोटल है कोविड स्वास्थ्य सहायक, राजस्थान नर्सिंग काउंसलिंग से पंजीकृत JNM BSc डिग्री और डिप्लोमा वाले स्टूडेंट 1691 पदों पर अप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, इसके अंतर्गत संपूर्ण जानकारी दी गई है। 31 जुलाई 2021 तक नागरिक सुरक्षा विभाग की भांति किया जनाब को प्रस्तावित किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों आपको किस प्रकार से फॉर्म अप्लाई करना है ये देखिए। उपरोक्त वर्णित पद की योग्यता रखने वाले अभ्यर्थी अपने आवेदन गूगल फॉर्म के माध्यम से नीचे दिए गए लिंक के माध्यम से, ये लिंक दिया गया है, ये रहा ऑनलाइन आवेदन, दिनांक 25/5/2021 को 6 बजे तक कर सकते हैं, 25/5/2021 को 6 बजे तक कर सकते हैं, निर्धारित समय के पश्चात आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। समझ गए दोस्तों आप, 25 तारीख तक आपको अप्लाई करना है 6 बजे तक। नोट, यह लिंक ईमेल आईडी chmho.email.com पर मेल करके भी आपको प्राप्त की जा सकती है। इसके अलावा ये देखिए दोस्तों, संपूर्ण जानकारी है, कोविड स्वास्थ्य सहायक की योग्यता सीनियर सेकेंडरी प्लस JNM BSc नर्सिंग व RNC से पंजीकृत की अनिवार्यता तथा नियोजन में स्थानीय अभ्यर्थियों का शैक्षणिक योग्यता का प्रतिशत, ये रहेगा 31 जुलाई 2021 तक कार्य के लिए लिया जाएगा। स्थानीय अभ्यर्थियों को वरीयता दी जाएगी, कोविड का जो मानदेय रहेगा वो 7,900 रुपये रहेगा, और ये जो भर्ती प्रक्रिया हैगी वो ग्राम पंचायत के आधार पर आपको गांव की जनता, शहरी क्षेत्र के संगठन के बारे में घर घर जा कर के आपको सर्वे करना पड़ेगा, जागरूक करना पड़ेगा, मरीजों को दवाइयाँ देनी पड़ेगी, और रोकथाम हेतु जो भी समय समय पर है आपको दिशा निर्देश देने पड़ेंगे, ये आपके कार्य रहेंगे। ये देखिए मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी नागौर से 20/5/2021 आज का अपडेट है। तो दोस्तों आपको अप्लाई करने की पूरी जानकारी हमने दे दी है, 25/5/2021 तक आपको 6 बजे तक अप्लाई करना है, और जो अप्लाई करने की जो लिंक है ये रही दोस्तों, इस पर जाकर के आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, ऑफलाइन आपको अप्लाई नहीं करना है। इसके अलावा फॉर्म भरने की जो प्रक्रिया है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, किस प्रकार से आपको फॉर्म भरना है, ये रहा एप्लीकेशन फॉर्म, ये है आपका दोस्तों, ये रहा कोविड स्वास्थ्य सहायक, लास्ट डेट इसमें देख सकते हो 25 तारीख है 6 बजे तक का। इसके अलावा दोस्तों आपको ईमेल आईडी, आपका ईमेल लिखना है, पद का नाम चुनना है, आपको कौन कोविड सहायक है या वो डॉक्टर्स वाला है वो आपको जो भी है देख लेना है। इसके अलावा दोस्तों आपको फादर्स नेम या हस्बैंड नेम, अगर नर्सेज है तो आप अपने पति का नाम भी लिख सकते हैं, मेटेरियल स्टेटस चुन सकते हैं, आप डेट ऑफ बर्थ अपनी लिखनी है, जेंडर आपको लिखना है, कैटेगरी आपको लिखनी है, आपका गांव लिखना है, पोस्ट आपकी लिखनी है, ग्राम पंचायत आपकी कौन सी लगती है, तहसील कौन सा लगता है, ज़िला आपका कौन सा लगता है, 12th में आपके जो मार्क्स थे वो कितने थे, और अचीव मार्क्स इन 12th में आपको किस हिसाब से आप देख सकते हो, जो बोनस अंक के आधार पर क्या था, परसेंटेज आपको यहाँ लिखनी है, और यहाँ पे जो भी आपने टोटल मार्क्स डिग्री डिप्लोमा कर रखा है उसके मार्क्स लिखने हैं, और अचीवमेंट मार्क्स से कितने आपको प्राप्त हुए थे वो लिखना है, यहाँ प्रतिशत आपको लिखना है, आपके जो कॉन्टेक्ट नंबर है
वो भी आप अपना लिखे, ईमेल आप एड्रेस लिखे।